लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। ग्रेटर नोएडा में दो बिल्डिंग गिरी, अब तक निकाले गए 3 शव। एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मंगलवार की देर रात ये हादसा हुआ। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित शाहबेरी गांव में मंगलवार रात बड़ा हादसा हुआ। यहां 6 और 7 मंजिल की दो बिल्डिंग गिर गई। हादसे में अब तक 3 लाशों को निकाला जा चुका है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। एनडीआरएफ की टीम, पुलिस और फायर ब्रिगेड लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा घटना स्थल पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता है। एनडीआरएफ की टीम के साथ डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर मौजूद है। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए 12 एम्बुलेंस भी मौके पर मौजूद है। मुख्य दमकल अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि थाना बिसरख क्षेत्र के गांव शाहबेरी में निर्माणाधीन 6 मंजिला इमारत आज रात गिर गई। इस इमारत में दर्जन भर मजदूर रह रहे थे। उन्होंने बताया कि मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका है। जेसीबी से मलबा हटाने का कार्य किया जा रहा है। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर संज्ञान लिया है। उन्होंने डीएम से बात कर रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। योगी ने डीएम से कहा है कि एनडीआरएफ और पुलिस की मदद से घायलों की हर संभव मदद की जाए।